चीनी संक्रमण की दर भले हम कहें कि मरीजों की संख्या कम निकली है, लेकिन ना तो मौत के आंकड़े थम रहे हैं और ना ही संक्रमित मरीजों के आंकड़े थम रहे हैं। आखिर कहां चूक हो रही है, क्या इस महामारी से आखिर कैसे और कब तक जीत पाएंगे हम? पूरे भारत की है और लगभग झारखंड की भी तस्वीर अमूमन उसी तरह की है। देखिए आसिया, ये जो कोरोना महामारी जो है ये कहा जा सकता है ये कम्युनिटी स्प्रेड है, मतलब पूरे गली मोहल्ले पूरे हर इलाके में ये फैल गया है, शहर की बात हो या ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो, क्योंकि आवागमन जो है दूसरे राज्यों से भी लोगों का लगातार हो रहा है। हवाई जहाज जी, आप शायद इस वक्त रेलवे स्टेशन पर हैं, क्या यहाँ पर चेकिंग अभियान सही तरीके से चल रहा है? बाहर से जो यात्री आ रहे हैं क्या उनकी कोविड जांच सही तरीके से हो रही है? देखिए आसिया, इस वक्त हम कांटा टोली के बिरसा मुंडा बस टर्मिनल में हैं और यहाँ पे पूरे रांची में देखेंगे तो यहाँ सब सुबह से ही जो है कोविड का टेस्ट होता है, सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। ये सामने आप काउंटर देख रहे हैं, जो पूछताछ काउंटर है, इंक्वायरी काउंटर है, वहाँ पे लोगों को जो बसों से लोग जो आते हैं या फिर ट्रेन से जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं दूसरे जगह जाने के लिए, तो उन्हें यहाँ सबसे पहले जो है कोविड का जो सैंपल है वो यहाँ देना पड़ता है। तो ये एक अच्छी बात है। ये पिछले लगभग 2 महीने से बिरसा मुंडा बस टर्मिनल में ये प्रक्रिया चल रही है ताकि ये पता चल सके कि संक्रमण कितना है। और जो टेस्ट यहाँ 2 तरह के होते हैं, एक तो एक जो है जो तुरंत जांच करके जो पता चलता है वो भी है, और HRTC जो है वो 2 तरह के सैंपल लिए जाते हैं। तो इससे हम इससे ज़रूर पता चलता है, उनका मोबाइल नंबर लिया जाता है और यदि लोकल हैं तो फिर उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है, और जिनके जिनके नंबर होते हैं उन्हें फ़ोन से सूचना दी जाती है। तो ये एक अच्छी पहल है, लेकिन जिस तरह से कोरोना महामारी फैल रही है उसका इम्पैक्ट जो है बिरसा मुंडा बस टर्मिनल पर भी दिखाई दे रहा है आसिया। यहाँ से प्रतिदिन 600 की संख्या में बसों का परिचालन होता था, अब ये संख्या घटकर अब मात्र 40 से 50 बसें ही आती और जाती हैं, क्योंकि अब बसों में यात्री नहीं मिल रहे हैं, बहुत जिन्हें बहुत आवश्यक है वही जा रहे हैं। सिमडेगा जाना हो, चायबासा जाना हो, उनकी भी बसें जो हैं अब बहुत कम हो गई हैं, टाटा की बसें कम हो गई हैं, बिहार जाने के लिए बसों की संख्या कम हो गई है, उड़ीसा जाने के लिए बसों की संख्या कम हो गई है, तो कई राज्यों के लिए भी यहाँ बसें मिलती हैं। तो संक्रमण का जो दर है वो झारखंड में अभी भी जो है 2.4% है, तो हम कह सकते हैं कि संक्रमण पूरी तरह से अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी संक्रमण का दौर है, जितना लोग प्रिकॉशन लेंगे उतना बेहतर होगा। दूसरी एक बात है, जिस तरह से मृत्यु दर का जो आंकड़ा बढ़ रहा है अब जो है ये 1.30% हो गया है, परसों ये आंकड़ा 1.24% था, तो मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं हमें चिंता में डालती है, परेशानी में डालती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये अब कम्युनिटी स्प्रेड है और इसे रोकना बेहद ज़रूरी है, और यही वजह है कि पूरे रांची में लगभग 45 जगहों पे जो है कोविड के सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं और उसके रिपोर्ट आने में कम से कम 1 हफ्ते का वक्त लग जाता है। तो हमें लगता है कि ये कारण भी है कि जो रिपोर्ट आने में जो लेट होती है उसके वजह से भी संक्रमण फैल रहा है, और जो लोग बाहर से फ्रीली आ जा रहे हैं उसकी वजह से भी संक्रमण बढ़ रहा है। और ये तो हमने पहले भी कहा है, झारखंड का जो टोपोग्राफी है वो उसमें 5 अलग अलग जो स्टेट हैं वो झारखंड की सीमाओं से सटते हैं, तो उन सीमाओं पर भी जो है सरकार को पैनी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि बिहार में भी संक्रमण काफ़ी है और झारखंड के 10 जिले जो हैं
बिहार की सीमा से लगी हुई हैं, तो ये एक चिंता की बात है। बंगाल में भी आंकड़े बढ़ रहे हैं, बंगाल से भी हमारी सीमा लगी हुई है और उत्तर प्रदेश में भी आंकड़े बहुत बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से भी हमारा सीमा गढ़वा जिला जो है वो पूरी तरह से सटा हुआ है, तो छत्तीसगढ़ से भी हमारा जो चार जिला है वो कनेक्टेड है। तो हमें लगता है कि यहाँ आप कोविड के टेस्ट बढ़ाए जा रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको इन हमारे जो पड़ोसी राज्यों से जो लोगों का आवागमन हो रहा है उस पर भी पैनी नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अब तीसरी लहर की बात हो रही है और तीसरी लहर के लिए हम कितना तैयार हैं ये हमें खुद पे झांकना होगा, देखना होगा, समझना होगा। लेकिन पहले की तुलना में स्थिति जो है कोविड सेंटर की संख्या जरूर बढ़ी है, अंजनी, क्वारंटीन सेंटर्स भी अब बनाए जा रहे हैं क्योंकि बड़े पैमाने पर मजदूर लौट रहे हैं महाराष्ट्र से, गुजरात से, दिल्ली से। तो क्या आपको लग रहा है कि जो बसों से पहुंच रहे हैं उन्हें क्वारंटीन सेंटर भेजा जा रहा है? देखिए, जो बसों से आ रहे हैं उन्हें कहीं कोई क्वारंटीन सेंटर में नहीं भेजा जा रहा है। यहाँ इस बस स्टैंड में कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन हटिया रेलवे स्टेशन में जो बाहर की जो ट्रेनें आ रही हैं आसिया, तो उन्हें क्वारंटीन सेंटर में भेजने के लिए कल जो है जिला प्रशासन के तरफ से एक प्रयास ज़रूर किया गया था। लेकिन कल जो हम लोग खबर देख रहे थे कि कई ऐसे लोग हैं जो जिन्हें रांची के रास्ते बिहार जाना है, तो उनके पास पहले से ट्रेन के टिकट थे, तो वैसे पैसेंजर्स को आप रोक नहीं सकते हैं जी। लेकिन रांची के खेल गांव में क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है जिसकी कैपेसिटी जो है लगभग 300 के आसपास है। तो हमें लगता है कि प्रशासन, सरकार, आपदा प्रबंधन विभाग, पुलिस प्रशासन, तमाम चीज़ों को लेकर अपने अपने क्षेत्र में जो जिनकी भूमिका है वो ज़रूर अदा कर रहे हैं। लेकिन हमारी ड्यूटी है कि हम जो कोविड का जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कोविड के जो नियम है, उसका हम अनुपालन सीधे तौर पे बेहतरीन तरीके से करें, ताकि संक्रमण जो है, अभी देखिए जो दूसरी लहर है इसकी संक्रमण फैलने की गति काफ़ी तेज है, काफ़ी तेज है। ऐसे में ये हम कह सकते हैं कि प्रिकॉशन लेना, मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना, ये बड़ा जरूरी हो जाता है। और हमें लगता है कि ऐसे कल भी जो है कई थाने इलाके में रांची में एक जन जागरूकता अभियान भी चलाई गई थी, प्रयास काफी हो रहे हैं। चलिए, कोशिशें हो रही हैं, अब आम लोग भी और सतर्कता बरते। हालांकि लोग भी बहुत जागरूक हो गए हैं और तमाम वो उपाय कर रहे हैं कोविड से बचने के, फिलहाल और थोड़े उपाय करने की जरूरत है तभी इस चेन को हम रोक सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी इस तमाम जानकारी के।